आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताना चाहूंगा जो ईश्वरीय प्रेम के साथ साथ मानवीय प्रेम की भी आदर्श है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज 10 फरवरी है और हर साल 10 फरवरी को संपूर्ण कलीसिया संत स्कोलास्टिका का पर्व मनाती है। संत स्कोलास्टिका का जन्म इटली के टाइबर नदी के पूर्व में नोरिका शहर में हुआ था। संत स्कोलास्टिका एक कुलीन परिवार से थी और उनके जुड़वा भाई का नाम संत बेनेडिक्ट था, जिसे वे बेहद पसंद करती थी। बचपन से ही अपने छोटे छोटे कार्यों द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट करती थी। एकांत में प्रार्थना करना और क्रूस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना उसे अति प्रिय लगता था। संत स्कोलास्टिका ने अपने जीवन को क्रिस्त को समर्पित कर दिया था। जब उनके भाई बेनेडिक्ट ने मठ की स्थापना की तो संत स्कोलास्टिका भी अपना जीवन एक मठ में व्यतीत करने लगी। जब मोंटे कैसिनो में उनके भाई संत बेनेडिक्ट ने पुरुषों के लिए एक मठ का संचालन करना शुरू किया, तब संत स्कोलास्टिका ने भी महिलाओं के लिए एक मठ की स्थापना की और उसकी अध्यक्षा बन गई। संत स्कोलास्टिका के जीवन की एक रोचक कहानी जो बहुत ही प्रचलित है। उन दिनों जब मठ में पुरुषों को महिलाओं के और महिलाओं को पुरुषों के मठ में प्रवेश लेना बहुत कठिन था, इसीलिए संत स्कोलास्टिका के भाई संत बेनेडिक्ट उनसे वर्ष में एक बार मिलने जरूर आते थे। और जब वे मिलने आते थे तो वो दोनों बैठकर ईश वचन और अपने आध्यात्मिक जीवन की चर्चा करते थे। ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान संत बेनेडिक्ट ने संत स्कोलास्टिका से कहा, बहन, अंधेरा हो रहा है, मैं अब चलूं, क्योंकि बड़ी दूर जाना है। छलछलाती हुई आंखों ने उससे कहा कि भैया, आप आज मेरे साथ रुक जाइए, क्योंकि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। स्कोलास्टिका ने अपने भाई से बहुत अनुनय विनय किए, लेकिन संत बेनेडिक्ट नहीं माना। इसीलिए संत स्कोलास्टिका ने कहा, भैया आप थोड़ी देर रुक जाइए, और वह दूसरे कमरे में जाकर क्रूस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई को आज यही रोक लीजिए। और उसी समय भारी गड़गड़ाहट हुई और जोरदार वर्षा होने लगी। उसी समय संत स्कोलास्टिका अपने भाई के पास आई और कहने लगी, भैया अब आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने तो मेरी नहीं सुनी, लेकिन ईश्वर ने मेरी सुन ली। और यह कहकर उस रात को संत बेनेडिक्ट संत स्कोलास्टिका के मठ में रुक गए और दोनों ने देर रात तक ईश चर्चा की और ईश्वर की महिमा के गीत गाए। और सुबह उठकर संत बेनेडिक्ट अपने मठ चले गए। 3 दिन बाद खबर आई कि संत स्कोलास्टिका की मृत्यु हो गई। उसके शव को संत बेनेडिक्ट के मठ में लाया गया और वहीं पर दफना दिया गया। संत स्कोलास्टिका के द्वारा स्थापित किए गए मठ और उनके द्वारा लिखे गए धर्म बहनों के लिए नियम आज भी प्रसिद्ध है। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 फरवरी को संत स्कोलास्टिका का पर्व मनाते हैं। तो आइए, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी संत स्कोलास्टिका की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी अपना जीवन ईश्वर की महिमा और ईश्वर के वचन को फैलाने में निरंतर लगाएं।